आज भी पीपीटी से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, आज पीपीटी से पढ़ रहा हूँ। बोर्ड अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ले मैं आया हूँ, तो अभी वो इंस्टॉल करना अभी बाकी है उसको। ओके सर। सर वो ओजोन वाला देखा था आपने? नहीं खैर, तो कार्डियक साइकिल पूरा बता दिया था मैंने, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक आध चीज और माइंड में रख लेना कि जो ये स्क्रीन नजर आ रही है ना, आवाज आ रही होगी। यस सर, आ रही है नजर। ओके, तो ये जो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम कॉर्डेड टेंडिने बोलते हैं, ये जो कॉर्डेड टेंडिने है, ये जो वाल्व है, ए बी वाल्व, ठीक है, इस वाल्व को कनेक्ट करता है मसल से ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल की मसल से कनेक्ट करता है वाल्व्स को। ठीक है, तो कॉर्डेड टेंडिने इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये वाल्व्स को कनेक्टेड रहता है वॉल से, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्डेड टेंडिने। ओके, आगे बात करते हैं। आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो आप एक ओपनिंग देख रहे हो, ये फीकल कह रहा हूँ, फीटस का हार्ट है। फीटस की हार्ट में ऐसे एक ओपनिंग रहती है, दो ओपनिंग रहती है एक्चुअली, एक ये वाली ओपनिंग है, और ये ओपनिंग एक्चुअली कहाँ पे है, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में है। ठीक है, इसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ओपनिंग के लिए वर्ड यूज किया फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन, OVALE, ओवेल, फोरामेन ओवेल एक ओपनिंग है। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, तो फीटस में जो राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, थ्रू दिस ओपनिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि फीटस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो ब्लड ऑक्सीजनेट होके आ रहा है, वो राइट साइड में आता है। ठीक है, और इसलिए वो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट साइड का ब्लड क्योंकि नॉर्मली लंग्स में जाता है, और फीटस की लंग्स अभी डेवलप नहीं हुई है, वो काम तब करती है जब वो पैदा होता है, तो क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रही, तो लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, और ऑक्सीजनेट ब्लड डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट वाली साइड ही कर सकती है, इसलिए हम राइट का जो ब्लड है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू दिस ओपनिंग नाउ फोरामेन ओवेल। बट ऑब्वियसली बात है, पैदा होने के बाद फिर नॉर्मल हमें सर्कुलेशन चलाना है। ठीक है, लंग्स में ब्लड भेजना है। ठीक है, तो इसलिए फिर ये ओपनिंग जो कि बंद हो जाएगी, और ये बन जाएगी फॉसा ओवालिस। तो फॉरमन ओवेल फीटस में है, और फॉसा FOSSA, फॉसा OVALIS, ओवालिस पैदा होने के बाद बेबी में है। ठीक है, इसके अलावा एक और ओपनिंग रहती है। ठीक है, उस ओपनिंग को हम डक्टस, डक्ट वाला डक्ट, डक्टस आर्ट्रियोसिस, आर्टरी वाला डक्टस आर्ट्रियोसिस बुलाते हैं। ठीक है, तो डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है वो भी एक ओपनिंग है, वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में रहती है। तो अगर कुछ ब्लड मान लीजिए फिर भी पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो उसको भी प्रिवेंट कर देते हैं लंग्स में जाने से, वो भी एओर्टा की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं थ्रू डक्टस आर्ट्रियोसिस। और यही डक्टस आर्ट्रियोसिस जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तो फिर एक फाइब्रस नेटवर्क के फॉर्म में नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं द लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस। जैसे ये डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस है। मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा साइड करके, ये लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक पैदा हुए हुए बेबी का हार्ट है, और यही जब बेबी फीटस होता है तो यहाँ पर ओपनिंग रहती है पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में, उसको बोलते हैं डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो डक्टस आर्ट्रियोसिस कन्वर्ट्स टू लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस, फोरामेन ओवेल कन्वर्ट्स इनटू फॉसा ओवालिस। एंड कभी कभी ये ओपनिंग ओपनिंग ही रह जाती है। ठीक है, तो फिर डिपेंड करता है ओपनिंग कितनी रह गई, तो पार्शियल रह गई, कंप्लीट रह गई, तो फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज या हार्ट के इश्यूज बेबी को हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, पैदा होते ही हार्ट में डिजीज, मतलब इट इज वन ऑफ द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है ना, कि
नॉन क्लोजर ऑफ द नॉन क्लोजर ऑफ द फॉरमन ओवेल। खैर आगे बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला इस चैप्टर के अंदर जो अगला है वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक अर्थ की वो खुद अपना रिदम खुद बनाता है। अब अपना रिदम बनाने के लिए उसके अंदर ऑटो रिदमिक स्ट्रक्चर हैं जो खुद अपना रिदम जनरेट कर सकते हैं हार्ट का। चारों स्ट्रक्चर ही रिदम जनरेट कर सकते हैं हार्ट का। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनेगा, चारों स्ट्रक्चर ही हार्ट का रिदम जनरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है SA नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। दूसरा है AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस, और चौथा है पुर्किंजे फाइबर्स। ये चार मेजर चीजें हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बना रही हैं। लोकेशन की बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा लोकेशन है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट यानी अपर लेफ्ट ऑफ द राइट एट्रियम में SA नोड है, लोअर राइट ऑफ द राइट एट्रियम में AV नोड है, आर्ट्री वेंट्रिकुलर जो वाल्व जो वॉल है, एट्री वेंट्रिकुलर जो रीजन है वहां पे बंडल ऑफ हेस है उसके आसपास, उसके बाद पुर्किंजे फाइबर्स वेंट्रिकल की मसल्स के अंदर है। ठीक है, तो ये लोकेशन रहती है, या बोल सकते हो कि हार्ट की जो वॉल्स हैं उसमें रहेगा बंडल ऑफ हेस और पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, ये तो अंदर भी एक्सटेंडेड होंगे पुर्किंजे फाइबर्स, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑल ओवर थ्रू आउट। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि SA नोड इन सब में सबसे तेज है, मतलब कि अगर रिदम बनाना है, तेज इन जनरेशन ऑफ रिदम, अगर रिदम बनाना है तो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल अगर आप समझते हैं कि इंपल्स है, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है SA नोड। ठीक है ना, 90 के करीब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है पर मिनट, उसकी कैपेसिटी है 50 से 55 कैपेसिटी है AV नोड की, 20 से 25 कैपेसिटी है बंडल ऑफ हिस, और 5 से 7 कैपेबिलिटी है पुर्किंजे फाइबर्स की। तो कैपेबिलिटी पहले ऐसे की है, फिर AV की है, फिर बंडल ऑफ हिस की, और पुर्किंजे फाइबर्स की है। और स्पीड ऑफ कंडक्शन रिवर्स में है, सबसे तेज ट्रांसफर इंपल्स को पुर्किंजे करता है, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर AV और SA नोड का कंडक्टिंग ट्रांसफर स्पीड सेम है। ठीक है, तो एक होती है स्पीड कितनी फास्ट ट्रेवल कर रहा है, और एक होता है कितनी फास्ट जनरेट कर रहा है। तो जनरेशन स्पीड सबसे ज्यादा SA नोड की है, इसलिए SA नोड पे डिपेंडेंट होता है हार्ट का रेट। ठीक है ना, तो हार्ट का रेट किस पे डिपेंडेंट है, SA नोड पे डिपेंडेंट है। अगर SA नोड काम नहीं करेगा तो फिर उसकी जगह AV नोड काम कर सकता है। ठीक है ना, तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर हम अगर SA नोड काम नहीं करता तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं। ठीक है ना, कुछ देर के लिए AV नोड काम कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो हो क्या रहा है, हो बहुत सिंपल सी चीज रही है कि SA नोड में इम्पल्स आई और इम्पल्स जनरेट हुई और वो पूरे एट्रियम में फैल जाएगा। मेरे डायग्राम देखिएगा, मैं रेड से बना रहा हूँ, पूरे एट्रियम में फैल गई और उसी को AV नोड ने भी कैप्चर किया। तो पहला स्टेप है SA नोड ने इम्पल्स जनरेट करी। अब जैसे ही SA नोड ने इम्पल्स जनरेट करी, ठीक है, तो इसके जो सेल्स है वो डीपोलराइज हुए, है ना, एक्टिवेट हुए। ठीक है ना, एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, याद रखना डीपोलराइजेशन का मतलब एक्टिवेशन। डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल सिस्टॉल होगा। दोनों में फर्क क्या है, एक है कि मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बेटा ये काम करो, यानी मैं तुमसे बोलू बेटा सिट डाउन, ठीक है, तो मैंने बोला सिट डाउन, वो डीपोलराइजेशन है, और आप बैठ गए, वो सिस्टॉल है। तो डीपोलराइजेशन इंफॉर्मेशन देना है, सिस्टॉल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है, तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हो रहा है इसको हम सेंस भी कर सकते हैं, और जब इसे सेंस करते हैं तो ग्राफ बनता है ना, उसको हम ECG का ग्राफ कहते हैं। तो उसके बारे में भी साथ में पढ़ लेते हैं, पैरेलली पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये इम्पल्स गई, तो आप मेरी बात ध्यान समझेगा, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जैसे ही इम्पल्स गई, वैसे ही आपके ECG के ग्राफ में एक वेव आएगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, एक ऐसी वेव, तो एक वेव जनरेट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे पी वेव। तो जैसे ही इम्पल्स ट्रांसफर हुई, एक वेव जनरेट हुई पी वेव। ठीक है, उसके बाद ये जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स AV नोड पकड़ेगा, और AV नोड पकड़ के इस इम्पल्स को
नीचे ट्रांसफर करेगा बंडल ऑफ हेस में, और फिर बंडल ऑफ हेस से पुरकिंजे फाइबर्स में, और जैसे ही पुरकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स फैल गई, ठीक है, फिर से एक और इम्पल्स आएगी जिसको हम इस तरीके से देखेंगे, एक अगला एक्सप्रेशन जिसको हम क्यू आर एस बोलते हैं, क्यू आर एस मतलब जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और क्यू आर एस रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसके बाद वेंट्रिकल जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, मतलब कि अब उनको रिलैक्स होने की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, वेंट्रिकल सिस्टॉल हो गया, पहले वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ, इंफॉर्मेशन मिली कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए है ना, उसके थोड़ी देर बाद फिर वेंट्रिकल्स को रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन का एक और सिग्नल आएगा जिसे आप इस तरीके से एस टी के नाम से जानते हैं, एस एंड टी के नाम से जानते हैं भाई, एस के बाद टी वेव आएगी, मतलब टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, और उसके उसके आते ही फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बाद होता है। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का खत्म हो जाना और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का हो जाना, ये कंसाइड करेगा। जहां वेंट्रिकल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे, तब उन्हें रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो टी वेव है, टी वेव का आना रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अब कर चुके हैं, अब रिलैक्स होने की बारी आ गई है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ये कह रहा है कि एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, क्लियर है पॉइंट। तो ये है कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग मैकेनिज्म। अब इसी को अगर हम ग्राफ में देख लें, पहले आप ये डायग्राम देखिए इस तरीके से, ये आपका फिर से एस ए नोड है, ये ए वी नोड है, ये बंडल ऑफ हेस है, और ये आपके पुरकिंजे फाइबर्स है जो ब्लू कलर से दिखा रखे डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम। इस कंडक्टिंग सिस्टम में कोई अगर रुकावट आ जाती है, ठीक है ना, है ना, अगर इस कंडक्टिंग सिस्टम में कोई रुकावट आ जाती है तो हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो हार्ट है, ठीक है, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपरली रिदम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे थोड़ा सा ईसीजी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ईसीजी में ये पी वेव है, याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कभी कभी एक छोटी सी यू वेव भी आती है, एनसीआरटी में यू वेव बनी हुई है, पर बताया नहीं हुआ उसके बारे में। यू वेव रिप्रेजेंट्स पुरकिंजे फाइबर्स रिपोलराइजेशन। कभी कभी जब पुरकिंजे फाइबर्स रिपोलराइज करते हैं तो एक हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है, उसको हम यू बोलते हैं। ये सारे डिफ्लेक्शन वेव्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं इन डिफ्लेक्शन वेव्स को, और जो मशीन इसको बनाती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मशीन बोलते हैं। तो मशीन ग्राफ है और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये याद रखिएगा, स्टूडेंट्स गलती गड़बड़ कर देते हैं, याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन ये बनाएगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक और लाइन है कि टी वेव, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। एकदम ही ठीक बात है कि टी वेव जब हो जाएगा, मतलब टी वेव हो जाएगा उसका मतलब क्या है कि वो वेंट्रिकल्स को बोल रहा है कि रिलैक्स कर जाओ, और रिलैक्स कर जाओ के लिए हम कब बोलेंगे, जब पूरी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। तो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ये लाइन एकदम क्या है, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कभी आता है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, देखो ये सारा का सारा ऑलमोस्ट ईसीजी 0.6 सेकेंड्स का होता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.6 सेकेंड्स का होता है, और इसके बाद छोटा सा गैप रहता है जो जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है। इन टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है, ठीक है ना, और कंडक्शन इस टाइम का होता है 0.6 सेकेंड्स का ऑलमोस्ट होता है कंडक्शन,
और कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स की होती है, ठीक है ना। और 0.8 सेकंड्स में याद रखना कि 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टॉल, 0.3 सेकंड्स का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, अगर एट्रियल सिस्टॉल 0.1 सेकंड्स का है तो एट्रियल डायस्टॉल कितने सेकंड्स का होगा? 0.7 सेकंड्स का, भाई टोटल 0.8 का है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाकी टाइम क्या करेगा? रिलैक्स। तो 0.1 सेकंड्स का एट्रियल सिस्टॉल है तो एट्रियल डायस्टॉल होगा 0.7 सेकंड्स का। वेंट्रिकल सिस्टॉल अगर 0.3 सेकंड्स का है तो वेंट्रिकल डायस्टॉल कितने सेकंड्स का होगा? अगेन 0.8 से माइनस कर दो, 0.5 सेकंड्स का, ठीक है। अब इस 0.5 और 0.7 में 4 सेकंड ऐसे कॉमन रहते हैं, 0.4 सेकंड जैसे कॉमन रहते हैं जब एट्रिया भी डायस्टॉल कर रहा होता है वेंट्रिकल भी डायस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल, वो होता है 0.4 सेकंड्स का। तो 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टॉल, 0.5 का वेंट्रिकल डायस्टॉल, 0.7 का एट्रियल डायस्टॉल, 0.1 का एट्रियल सिस्टॉल और 0.3 का वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। तो दिस इज अबाउट द ईसीजी। और ईसीजी लेने के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जब सबसे पहले ईसीजी लिया गया था तो इलेक्ट्रोड जो यूज किए थे वो यूज किए गए थे दो पैरों में, सॉरी दो हाथों में, लेफ्ट एंड द राइट रिस्ट, ठीक है ना, और एक एंकल में, ठीक है ना। तो दो दो रिस्ट और एक एंकल में इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया था, तीन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है ना। तो उससे ईसीजी लिया गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द ईसीजी। ईसीजी के बारे में, इनके बारे में याद रखिएगा कि टी क्यू आर एस और टी का क्या क्या मतलब है, ये याद रखिएगा। याद है, कोई डाउट आगे बात करें? No, sir. याद है? ओके, अगला बात कर रहे हैं हम आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, ठीक है ना। ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये आर्थरोस्क्लेरोसिस का दिखा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का दिखा रखा है। देखिए, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ठीक है ना। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग का फर्क होता है, ATHER आर्थरोस्क्लेरोसिस, और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये सब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ही है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक स्पेशल फॉर्म है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आप देखो ध्यान से कि जो एंडोथीलिया है वो हल्का सा डैमेज हुआ है और उसके नीचे की तरफ फैटी टिश्यू है ना, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस, ये सब इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये लेयर बहुत ही मोटी हो गई है और ल्यूमन थोड़ा छोटा हो गया है और स्मूथ मसल का प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब आर्टरी थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी। और ये हमारे डाइटरी डिसऑर्डर है, डाइट वाइट खराब रहती है, प्रॉब्लमेटिक रहती है, एज के साथ ये हो जाता है, एज और डाइट के हिसाब से ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डिसऑर्डर है एज रिलेटेड है और डाइट पे भी डिपेंडेंट है, इसको हम बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब इसी के जैसा एक एक इसका जो ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ये आता है आर्थरोस्क्लेरोसिस, एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है ना, किसी भी वजह से आर्टरी का ल्यूमन अगर छोटा हो गया तो हम उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर वो एज की वजह से या डाइट की वजह से, फैटी टिश्यू डिपोजिशन की वजह से और एंडोथीलिया के नीचे की तरफ स्टिफनिंग ऑफ मसल्स कर रहा है, तो स्टिफनिंग ऑफ आर्टरी कर रहा है, तो फिर हम उसे आर्थरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं। तो इन जनरल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इन जनरल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इस तरीके से रप्चर कर जाता है आपका आर्टरी, डैमेज हो जाता है किसी वजह से, फिर वो पूरा रप्चर कर जाता है और ब्लड भी रप्चर कर जाता है, वहाँ क्लॉट बन जाता है, और इस तरीके के चीज को हम जनरली क्या टर्म देते हैं, दी आर्टरी स्क्लेरोसिस, ARTERIO आर्टरियो स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना, ये किसी भी बॉडी के माल फंक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी है ना, किसी कार्सिनोजन की वजह से, किसी अनहेल्दी डाइट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और ये किसी को भी हो जाता है, ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यंग बूढ़े, सबको हो सकता है, ठीक है ना। और इसका एक स्पेशल टाइप आर्थरोस्क्लेरोसिस, वो दैट इज अबाउट द डिपोजिशन ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स, सॉरी ऑन द बिलो द एंडोथेलिया, वो आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, चाहे आर्थर हो चाहे आर्थरोस्क्लेरोसिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना कि इसमें भी जो नीचे की तरफ है, जो यहाँ पर है बेस में,
वहां पे फैटी टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल और ये सब इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ना। ऊपर क्लॉट बना हुआ है नो डाउट, बट नीचे डिपोजिशन है कैल्शियम, जिसे हम प्लाक बोल रहे हैं, वो प्लाक कुछ नहीं बल्कि फैटी टिश्यू, कैल्शियम, फाइबर, ये सब रहेगा। तो प्लाक इज इंपॉर्टेंट। तो प्लाक का डिपॉजिट हो गया आर्टरी के अंदर, तो ल्यूमन छोटा होने की वजह से उतने आरबीसीज नहीं निकल पाएंगे, उतना ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको हम इकीमिया बोलते हैं। और ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब सभी ऑर्गन्स में, जैसे देखिए जो हार्ट है वो खुद हार्ट को भी ब्लड देता है ना। जो हार्ट का असेंडिंग एओर्टा है, हार्ट के एओर्टा के तीन पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, एओर्टिक आर्क और डिसेंडिंग एओर्टा। जो असेंडिंग एओर्टा होता है वो हार्ट की मसल्स को ब्लड देता है, एओर्टिक आर्क अपर बॉडी को ब्लड देता है, और डिसेंडिंग एओर्टा लोअर बॉडी को देता है। तो असेंडिंग जो एओर्टा है उसका काम है हार्ट की मसल्स को ब्लड देना। तो अगर यही डिपोजिशन कॉरोनरी आर्टरी में हो गया, मतलब हार्ट की खुद की आर्टरी में हो गया, मतलब वो आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचा रही है उसमें सही हो गया, तो फिर हम उसको बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, कैड बोलते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कुछ नहीं है बल्कि आर्टरी स्क्लेरोसिस है कॉरोनरी आर्टरी का। फिर उसमें हार्ट की मसल्स को इनसेफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगी, अब इनसेफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगी हार्ट की मसल्स थोड़ा प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, है ना। एनारोबिक उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब इस सब में ना एक 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 थोड़ी डैमेज होंगी, तो एक चेस्ट पेन सा होगा, और चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस पेक्टोरल मसल्स की वजह से आ रहा है, तो चेस्ट पेन होगा जिसको बोलेंगे एंजिना, या सिंपली एंजिना बोल सकते हैं, या एंजिना पेक्टोरिस बोल सकते हैं। ये चेस्ट पेन होगा जब हार्ट को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगा। फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली हार्ट की मसल्स डैमेज कर जाए और प्रॉपर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ना हो, उसको बोलेंगे हम हार्ट अटैक, ठीक है। और जिसका रीजन होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। चेस्ट पेन हो गया एंजिना पेक्टोरिस, और इसके बाद अगर हार्ट की मसल्स कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हार्ट की मसल्स डैमेज होंगी, और उस डैमेज्ड हार्ट मसल्स को हम बोलते हैं मायोकार्डियल, मतलब हार्ट की मसल्स का इनफार्क्शन, मतलब उनके कंडक्शन में या उनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इनफार्क्शन, ठीक है। जिसको हम सिंपली हार्ट अटैक बोल सकते हैं। हार्ट अटैक को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो हार्ट स्लोली ग्रेजुअली उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा जितनी उसको पहुंचानी है पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम। हो जाएगी, हार्ट अपना काम करने में असमर्थ यानी फेल हो जाएगा, और उसको हम हार्ट फेल बोलते हैं। तब जिसमें हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ऑर्गन्स को चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहा है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं द हार्ट फेल। और अगर हार्ट फेल को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर हम उसको हार्ट करना, ECG जो है एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम कार्डियक अरेस्ट। तो तीनों टर्म्स में यह डिफरेंस याद रखिएगा कि हार्ट की मसल अचानक से डैमेज हो गई, हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, है ना। उसके बाद अगर हार्ट की मसल बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही, बिल्कुल ही लो इन फंक्शनिंग हो गई है कि हार्ट बिल्कुल प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा जितनी चाहिए, ठीक है, तो हार्ट फेलियर। तो अब लेकिन अभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बहुत ही नाम मात्र, और अगर बिल्कुल ही रुक गया तो हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, कभी कभार हम हार्ट जो फेलियर है उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभार लंग्स में कंजेस्शन की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, कि भाई लंग्स में कंजेस्शन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, हार्ट की मसल डैमेज हो गई, और हार्ट क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास आ ही नहीं रही है लंग से, तो वो आगे ऑक्सीजन क्या पहुंचाएगा, पहुंचा ही नहीं पाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो फिर हम उसको पल्मोनरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं, या सिंपली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और एक आध चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे आर्थिक्लॉरस का डायग्राम है, एक आध चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो है एंजियोप्लास्टी। अच्छा, एक होती है एंजियोग्राफी।
पता लगाना कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, ग्राफी एनालिसिस, जैसे जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियो जियोग्राफी है ना, वैसे ही एंजियोग्राफी, एंजियो ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल की स्टडी इज एंजियोग्राफी। और प्लास्टी होती है सर्जरी, तो एंजियोप्लास्टी मतलब आर्टरी की सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक बलून लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं जिसे हम कैथर कैथर के साथ अटैच कर देते हैं। कैथर एक ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आर्टरी के अंदर जा सकता है, तो कैथर के साथ बलून अटैच कर देते हैं, बलून को फुलाते हैं, आर्टरी को वापस खोल देते हैं, प्लाक डिग्रेड हो जाता है, प्लाक को डिग्रेड कर देते हैं, और फिर एक स्टेंट, एक मेटालिक स्ट्रक्चर अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो आर्टरी कोलैप्स ना करे और खुली रहे और ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती रहे। तो इसे कहते हैं बलून कैथराइजेशन या सिंपली एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम स्टेंट लगा के इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये ट्रीटमेंट है, इसको हम एंजियोप्लास्टी बोल रहे हैं, ठीक है। और इतने ही इन्फॉर्मेशन है मेन मेन सर्कुलेटरी के बारे में, कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना हम फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर चलेंगे। एंजियोग्राफी क्या बताया था आपने? अच्छा देखो ग्राफी स्टडी, तो एनजीओ इज ब्लड वेसल, तो एनजीओग्राफी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। ओके। सर यस सर एक बार कार्डियक अरेस्ट बता देना हार्ट रुक गया, कार्डियक क्या। सबसे सिंपल है, हार्ट रुक गया। तो सर उसका कोई भी केस हो सकता है ना, मतलब किसी भी वजह से। हाँ, कुछ किसी वजह से हार्ट रुक गया, ठीक है, किसी वजह से हार्ट रुक गया, कार्डियक अरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, जो हार्ट का रुकना है कार्डियक अरेस्ट। ओके ठीक है, ऐसा एनी अदर डाउट? तो बस देखो, अगर ऑर्डर में याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि चेस्ट पेन हुआ, ऑक्सीजन कम पहुंची, मसल को थोड़ा प्रॉपरली ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, ज्यादा मेहनत लगी, चेस्ट में पेन हुआ, एंजिना पेक्टोरिस, फिर नहीं हुआ ठीक, फिर भी कंटिन्यू रह रहा है तो हार्ट अटैक, हार्ट अटैक ट्रीट नहीं किया गया तो हार्ट फेल, हार्ट फेल ट्रीट नहीं किया तो हार्ट बंद हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं, अगला चैप्टर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन मेन चीज़ों की बातें करेंगे, जो मेन मेन चीज़ें क्वेश्चन के लायक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सिंपल सा है कि एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, जो बाहर वाला रीजन है, जो आउटर मोस्ट रीजन है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो बाहर वाला रीजन है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, ये सारा का सारा कॉर्टेक्स है, और अंदर ट्रायंगल की फॉर्म में, पिरामिड की फॉर्म में, ठीक है, रीनल पिरामिड्स हैं, ये रीनल पिरामिड्स हैं, और इसी रीजन को मेडुलर रीजन भी बोलते हैं, तो हम मेडुलरी पिरामिड नाम भी, वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स, यही मेडुला है, ठीक है। तो बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीजन क्या है, मेडुला है। अब और क्या है, और समझा देता हूँ मैं आपको, इसके अलावा थोड़ा सा कॉर्टेक्स का रीजन मेडुलरी रीजन के अंदर जा रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला रीजन यहाँ पे जो कॉर्टेक्स का रीजन मेडुला के अंदर जा रहा है, इसको हम रीनल कॉलम, ठीक है, या कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं, BERTINY, सॉरी BINI, BERTINI, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है ना। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम कुछ नहीं है, कॉर्टेक्स का रीजन है जो मेडुला में क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक। और सुनिएगा, किडनी की जो अपनी अपनी कवरिंग होती है उसे हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, एक तो उसका अपना एपिथीलिया होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद बाहर की तरफ जाएं तो एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम
रीनल फासिया भी बोलते हैं, वो फाइब्रस होती है। तो एक अपने एपिथीलिया की लेयर है जो किडनी को कवर कर रही है, फिर फैटी टिश्यू डिपोजिशन है दूसरी लेयर, और तीसरी लेयर फाइब्रस है, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल हम रीनल कैप्सूल बोल देते हैं, रीनल कवरिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो वो किडनी कवरिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद किडनी में जो चीज एंटर कर रही है ये पता है आपको, उसे हम यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर किडनी में एंटर करता है, और यूरेटर जब किडनी में एंटर करता है तो वो एक मोटा सा मुंह खोल देता है। जो मोटा सा मुंह उसने खोला उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो यूरेटर जो मोटा सा मुंह खोलता है किडनी के अंदर, उसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। और फिर रीनल पेल्विस के दो और छोटे छोटे मुंह होते हैं, ठीक है ना, या दो या चार या छह जो भी है, इसमें दो दिखा रखे हैं। वो छोटे छोटे दो मुंह होते हैं, उसे हम मेजर कैलेक्स बोलते हैं। और फिर मेजर कैलेक्स की फर्दर बाइफर्केशन होती है, जिसे हम माइनर कैलेक्स बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ध्यान से समझेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो सारा का सारा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये रीनल पेल्विस है। फिर मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ग्रीन से जो दो छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पे, है ना, ये मेजर कैलेक्स हो गए। और फिर मेजर कैलेक्स के बाद जो इंडिविजुअल छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये माइनर कैलेक्स हो गए। तो ऑर्डर ऐसा रहेगा, यूरेटर, रीनल पेल्विस बड़ा हो गया, फिर वो एंटर किया, फिर मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स की फर्दर बाइफर्केशन द माइनर कैलेक्स। ओके, अब आगे समझते हैं। अब माइनर कैलेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? माइनर कैलेक्स जुड़ा हुआ एक डक्ट से नोन एज पैपुलरी डक्ट, और ये पैपुलरी डक्ट के अंदर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके खुलते हैं। अब क्या होता है, आप देखिए, जैसे ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं। ये नेफ्रॉन आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन इस तरीके से यहाँ पर है, और इसका नेफ्रॉन का अपना एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स का अपना एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। मतलब कि 10-12 नेफ्रॉन उनका एक कलेक्टिंग डक्ट है। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके खुलते हैं एक डक्ट में नोन एज पैपुलरी डक्ट, और ऐसे बहुत सारे पैपुलरी डक्ट मिलके खुलते हैं इन द माइनर कैलेक्स, और ऐसे बहुत सारे माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स में, और बहुत सारे मेजर कैलेक्स रीनल रीनल पेल्विस में, और फिर रीनल पेल्विस यूरेटर में, और यूरेटर यूरिनरी ब्लाडर में, और यूरिनरी ब्लाडर यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा आउटसाइड द बॉडी। ये ऑर्डर है, ठीक है ना, किसका? यूरिन के फॉर्मेशन का। अच्छा, यूरिन बनेगा कैसे? यूरिन बनेगा ब्लड की फिल्ट्रेशन से। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड भी आना पड़ेगा। तो ब्लड आएगा किडनी के अंदर रीनल आर्टरी से, ऑफकोर्स उसकी खुद की आर्टरी से, और जाएगा बाहर थ्रू रीनल वेन। रीनल आर्टरी एओर्टा का पार्ट है, एओर्टा से एक ब्रांच आएगी जो रीनल आर्टरी बन जाएगी, और रीनल वेन जाके फिर इन्फीरियर वेना कावा का पार्ट बन जाएगी, है ना भाई, लोअर रीजन में है ना किडनी। तो इसकी जो वेन है वो अल्टीमेटली खुल के किसे जुड़ेगी? इन्फीरियर वेना कावा से खुद जुड़ेगी, और इन्फीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में खुलता है, ये आपको पता है। अच्छा, नेफ्रॉन्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ कुछ नहीं हो रहा किडनी में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो याद रख कॉन्सेप्ट बता दो जो आपको याद रखना है। किडनी में का कोई खास कुछ नहीं है, बस इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से और सारे नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। नेफ्रॉन्स उस ब्लड में से जो फालतू चीजें हैं जो फेंकनी है बाहर, उसे खींच लेते हैं, खींच के उसको कलेक्टिंग डक्ट में पास कर देते हैं, ठीक है। और वो सारी जो बेकार चीजें हैं वो अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से होती हुई, पैपुलरी डक्ट से होती हुई, माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स से होती हुई अल्टीमेटली ब्लाडर में चली जाती हैं। फिर वहां से जब वो ब्लाडर भर जाता है तो यूरिन फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। अब ब्लड से सारी बकवास जो बेकार चीजें निकाल ली तो बची एक अच्छी चीज है ना, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया, तो जो अच्छा ब्लड बचा जिसमें यूरिया का अमाउंट कम है, यूरिया जैसे निकाल लिया गया, अमोनिया निकाल लिया गया, यूरिक एसिड निकाल लिया गया, तो वो जो बचा हुआ ब्लड है वो रीनल वेन से निकल जाता है और फिर राइट एट्रियम में हार्ट में चला जाता है ओवरऑल अल्टीमेटली। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि रीनल आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है और इम्प्योर है, इम्प्योर इन कॉन्ट्रेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में रिच है। और फिर रीनल वेन से जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेट हो गया, तो ऑक्सीजन तो यूज कर ली गई है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया लेकिन प्योर हो गया, वो नाइट्रोजनस वेस्ट से रहित रह गया है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कुछ पानी के साथ मिलके उसने यूरिन बना लिया जो यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अब आप बोलने को ऐसा बोल सकते हो कि ये रेड वाली लाइन में से
दो लाइनें निकाल दी, ब्लू वाली और येलो वाली, मतलब अच्छा ब्लड अलग कर दिया, फालतू चीजें अलग कर दी। तो यही हो रहा है, एक ब्लड आ रहा है, उसके दो कॉम्पोनेंट्स हो रहे हैं, एक यूरिन और एक प्योर ब्लड। ठीक है, तो यूरिन कुछ और नहीं बल्कि ब्लड के प्लाज्मा से ही एक्स्ट्रा चीजें निकाली हुई हैं। तो मतलब ब्लड का जो प्लाज्मा है उसी में से जो एक्स्ट्रा चीजें, सेल्स को छोड़ दीजिए, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है इसलिए प्लाज्मा बोल रहा हूँ, तो जो ब्लड है उसके प्लाज्मा जो है, ठीक है ना, उसी में से प्रोटीन वगैरह छोड़ के जो बाकी फालतू चीजें हैं वो निकाल के बाहर कर दी पानी के साथ, तो फिर उसको हमने यूरिन बोल दिया। तो यूरिन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। इसलिए आपके ब्लड प्लाज्मा में कुछ भी ज्यादा होता है तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करता है। सॉल्ट ज्यादा हो तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेगा, स्पाइसेस ज्यादा होंगे तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेंगे, बाइल पिगमेंट ज्यादा होंगे तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेंगी, यूरिया ज्यादा हो तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेगा, ग्लूकोज ज्यादा हो तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कुछ भी अगर आपके ब्लड में ज्यादा होगा प्रोटीन्स को छोड़ के, ये नहीं कि आपने बहुत प्रोटीन्स खाए तो यूरिन में रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं, अगर बहुत सारे प्रोटीन खा रहे हो तो फिर थोड़े अमाइनो एसिड्स यूरिन में आ सकते हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन्स यूरिन में नहीं होते। तो प्रोटीन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी आप के ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा है, अगर आपने ड्रग्स लिए, ठीक है ना, या कुछ भी अल्कोहल ज्यादा लिया, तो जो भी आपके ब्लड में ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो आपके यूरिन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हम बहुत सारे ब्लड के टेस्ट जो हैं, जो टेस्ट ब्लड में होते हैं, वो काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हम यूरिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, आगे बात करें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आगे नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेफ्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नेफ्रॉन को हम माल्फीजियन सॉरी नेफ्रॉन को हम यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। तो कोई बोले यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल तो परेशान मत होना, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन ही होता है। नेफ्रॉन के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक माल्फीजियन कॉर्पुसल और एक रीनल ट्यूब्यूल। अभी मैंने कट लगा दिया, अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें ये ग्लोमेरुलस आ रहा है जिसको हम ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है ये, और नीचे जो बोमन कैप्सूल है, ये लेबलिंग गलत की हुई है, ग्लोमेरुलस की जो लाइन है वो गलत है, ठीक है मैं बता देता हूँ। ये आपको पता है कि इसमें ये बोमन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के हम माल्फीजियन कॉर्पुसल बोलते हैं, ठीक है ना, और बाकी बचे हुए पार्ट को हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो शुरू का कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसको हम बोलते हैं द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक लूप, उसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, नीचे वाला जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर आ रहा है असेंडिंग लिम्ब, फिर थिक एंड थिन होता है, ये ऊपर थिक होता है नीचे थिन होता है। फिर उसके बाद एक और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो बाद में है, तो दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर फाइनली नीचे जाएंगे तो एक कलेक्टिंग डक्ट, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का कलेक्टिव है, जहाँ पे अदर नेफ्रॉन्स की भी ओपनिंग्स हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, बहुत ही सिंपल है। ग्लोमेरुलस विद बोमन्स कैप्सूल, माल्फीजियन कॉर्पसल, फिर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। उसके अलावा पूरे नेफ्रॉन के आसपास ब्लड कैपिलरीज रहती हैं। इस ब्लड कैपिलरीज का क्या फंक्शन है कि अगर नेफ्रॉन कुछ भी बाहर फेंक रहा है तो वो ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब वर्ड यूज नहीं करते हम, री एब्जॉर्ब वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब तो हमने तब यूज किया था जब हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, कि इंटेस्टाइन में जो हमने खाया वो पहली बार जब ब्लड में गया तो उसमें हमें एब्जॉर्ब बोला था। अब की बार तो हम ब्लड से यूरिन बना के फिर यूरिन से चीजें, ब्लड से फिल्ट्रेट बना के फिर फिल्ट्रेट से चीजें वापस ब्लड को दे रहे हैं, तो उसको हम रीएब्जॉर्ब कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मल कैपिलरी की शुरुआत होती है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बताओ तो क्या होता है, आर्टरी होती है, आर्टरी से छोटा आर्टरियोल होता है, आर्टरियोल खुलता है कैपिलरी में, मतलब एक कैपिलरी के एक साइड में आर्टरियोल रहता है, एक साइड में वेन्यूल रहता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन ग्लोमेरुलस एक पहला इंटरेस्टिंग ऐसा ऐसी कैपिलरी है जिसके दोनों तरफ आर्टरियोल्स ही रहते हैं, मतलब यहाँ वाला भी आर्टरियोल है, उसको हम इफ्रेंट एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, जो डायमीटर में बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर इन डायमीटर, और फिर कैपिलरी बन गई, है ना, ये कैपिलरी हो गई गोल 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 गोल,
और फिर फाइनली वी हैव द इफरेंट आर्टरी। तो एक इफरेंट आर्टरी है जो ल्यूमन में छोटा है और एक एफरेंट आर्टरी है जो ल्यूमन में बड़ा है। दोनों तरफ आर्टरियोज हैं और अब और दोनों के डायमीटर में काफी फर्क होता है, और यानी ब्लड ज्यादा आएगा और जाएगा कम, और ज्यादा ब्लड आएगा जाएगा कम जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो ग्लोमेरुलस में नॉर्मल कैपिलरी से ज्यादा हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से प्रेशर ऑन द वॉल्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी प्रेशर की वजह से चीजें यहां से फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में चली जाती हैं, तो इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। और अगर हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो तीन लेयर आ जाएंगी, एक लेयर आ जाएगी ग्लोमेरुलस की, एक लेयर आ जाएगी बोमस कैप्सूल की, और बीच में आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेम रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जैसा ही है, ठीक है ना। सो दैट इज अबाउट द मालपिजियन कॉर्पसल। अच्छा, उसके बाद फिर ये कैपिलरीज पूरी ये पूरे नेफ्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट फिल्ट्रेट होंगी। हाँ जी, इसमें भी जब फिल्ट्रेट करते हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है फिल्ट्रेट। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, स्लो बोलिए थोड़ा सा। तो इसमें भी डिफ्यूजन से फिल्ट्रेशन होता है। बेटा एक काम करो, आप मैसेज में टाइप करो, मैं मैसेज पढ़ता हूँ। इसमें से बाद में पूछ लूंगा, आप पहले समझा दो। हेलो, बेटा मैं एक बार तो मैं ऑलरेडी अब रुक 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 गया हूँ, तो अब पूछ ले आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं रुक तो गया ही हूँ, मैं दोबारा रुकूंगा, उससे बेटर है कि तू अब पूछ ले आराम से। टाइप कर दे, थोड़ा सा टाइप कर दे, शॉर्ट में मैं पढ़ समझ जाऊंगा क्या पूछना चाह रहा है। या किसी और को समझ में आ गया तो वो बता दो, जिस जो ये डाउट पूछ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया, जिसकी आवाज क्लियर आ रही हो। तो शायद वो बोल रहा था कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऐसे कुछ बोला था उसने। अच्छा, डिफ्यूजन, हाँ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन भी नहीं हो रहा, डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है, सॉरी डिफ्यूजन नहीं है, सिंपल मूवमेंट है। जैसे जैसे चाय छानते हैं, ठीक है ना, चाय में, चाय की छानी में छेद होते हैं ना, छोटे 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 छेद होते हैं, वैसे ही ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे छेद होते हैं, फेनेस्ट्रे बोलते हैं उनको। फिर बोमस कैप्सूल में छोटे 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 ओपनिंग्स होती हैं, बिकॉज क्योंकि उसका जो एपिथीलिया है उसमें स्पेशल सेल्स है पोडोसाइट्स, जिसमें स्लिट्स होती हैं, तो मोटी स्लिट्स हो गई उसकी, फिर छोटे छेद हो गए ब्लड कैपिलरी के। तो ये नॉर्मल छनना है, फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन तो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, देर इज नो एनर्जी इन्वॉल्व, नथिंग इन्वॉल्व, सिंपल छानना है, सिंपल फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन बोला, ठीक है ना, समझ गए सब लोग। ये डिफ्यूजन नहीं है, ये उससे अलग है। रेस्पिरेशन में तो डिफ्यूजन हो रहा था ना, इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, इसमें छनना होता है, एकदम छाननी की तरह। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि कुछ भी ब्लड कैपिलरी से कुछ भी बोमस कैप्सूल में आ सकता है, बस उसका साइज अलाउ करना चाहिए। जैसे आप चाय छानते हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ जो चाय पत्ती है वो रह जाती है, और जो बाकी चीजें सारी निकल जाती हैं, ठीक है ना। अगर मैं उसमें चाय की जो छाननी है, जिससे मैं चाय छान रहा हूँ, उसके जो छेद है मान लो, उससे अगर छोटा कोई बारीक पार्टिकल है, चाहे वो डिजोल्व भी नहीं हुआ है, अगर उससे बारीक पार्टिकल है वो निकल जाएगा, और उससे जो भी बड़ा होगा वो रुक जाएगा, चाहे वो चाय छाननी हो, चाहे आपने इलायची डाली उस वो हो, चाहे कुछ मर्जी, चाहे अदरक हो, जो भी हो, वो सब जो पास नहीं कर सकता, साइज में बड़ा है वो पास नहीं कर पाता। तो जो भी साइज में बड़ा है, जो कैपिलरी को पार नहीं कर सकता, वो पार नहीं करेगा, और जो पार कर सकता है वो पार करेगा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा ना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या आता है ब्लड से, तो आप बोलोगे सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ, सिवाय आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के, क्योंकि हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, हम तो फॉर्मलेजमेंट की बात नहीं कर रहे। तो प्लाज्मा में से क्या क्या आएगा, प्लाज्मा में सब कुछ सिवाय प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स बड़े होते हैं साइज में, तो लार्ज प्रोटीन्स को छोड़ दो, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आयन, टॉक्सिक मटेरियल, ये वो फ्रांड हमारा, बस जितना कुछ ब्लड में है वो सारा का सारा बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इसका रेट होता है 125 ml पर मिनट, जो 125 ml पर मिनट बनता है, ठीक है, एक किडनी के अंदर, मतलब किडनी के अंदर ओवरऑल, ठीक है।
125 ml पर मिनट, जिसके हिसाब से 180 लीटर पर डे। अब 180 लीटर पर डे फिल्टर्ड बन रहा है, लेकिन हम 180 लीटर बॉडी से रिमूव नहीं कर रहे पर डे, रिमूव कर रहे हैं 1 से 2 लीटर मैक्सिमम। तो जो 178 लीटर है वो कहाँ जा रहा है, उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करेंगी, जितना भी ये बचा हुआ मटेरियल है इसको क्या करेंगी, रीएब्जॉर्ब करेंगी। अच्छा, और सुनेगा ध्यान से, अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इसमें एक कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के पास रन कर रही है, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, वासा रेक्टा। और दो तरीके के नेफ्रॉन्स आप देखोगे, अभी समझा रहा हूँ। एक नेफ्रॉन होंगे जो थोड़े लंबे होंगे, जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होगा, उसको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। लंबे लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जिनका लूप ऑफ हेनले डीप इनसाइड द मेडुला होता है, ठीक है। और कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका जो मेडुला है वो डीप इनसाइड, जो जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप इनसाइड मेडुला नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कम होते हैं, मतलब सॉरी ज्यादा होते हैं, 85% होते हैं, और 15 से 20% ही होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और वासा रेक्टा प्रोमिनेंट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही नजर आएगा, जो प्रोमिनेंट है, होगा कॉर्टिकल में भी लेकिन प्रोमिनेंट हमेशा इसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही होगा। तो वासा रेक्टा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और वासा रेक्टा फिर अल्टीमेटली एक कैपिलरी है, और फिर ये कैपिलरी वेन्यूल में खुल रही है। तो वासा रेक्टा की जो कैपिलरी वो वेन्यूल में खुल रही है, लेकिन जो ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलस कैपिलरी है वो शुरू भी एट्रियल में होती है, एंड भी आर्ट्रियल में होती है, ये बात आप याद रखेंगे। कोई डाउट? ओके, अब यूरिन फॉर्मेशन समझ लीजिए। यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल कॉन्सेप्ट, परेशान होने के 1 मिनट रुको, मुझे एक एक स्लाइड डाउनलोड करनी है, मैं शायद वो डाउनलोड की थी वो ऐड नहीं हुई है, मैं एक छोटी सी स्लाइड ऐड करके ना फिर आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू यू। तब तक आप थोड़ा सा आपस में कुछ डिस्कस कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं हूँ यहीं पे ही, ठीक है।
ओके तो आपको आ रही मेरी ये डायग्राम दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है? डायग्राम दिख यस रहा है? सर, यस सर, ओके okay. हाँ जी सर, आ रही है। तो हाँ, तो ये डायग्राम ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। हाँ ओके okay. तो मैं आपको ये डायग्राम पढ़ा रहा हूँ और बहुत सिंपल तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखो पहले तो सबसे पहले सारी चीजें बॉमन्स कैप्सूल में आ गई, फिर बॉमन्स कैप्सूल में सब कुछ आया, ग्लूकोज आया, अमीनो एसिड आया, सब कुछ आ गया, सब कुछ सारी चीजें आ गई। अब ग्लूकोज अमीनो एसिड तो हमारे काम के है नहीं, वो यूरिन में निकाल कर क्या करेंगे, वो हमें ब्लड में वापस भेजने। तो हम ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, बहुत सारे सोडियम को, बहुत सारे वाटर को, क्योंकि फिल्ट्रेशन है ना, सारी चीजें ब्लड से आ गई थी। अब इतना पानी हम यूरिन में नहीं भेजना चाहते है ना, इतना सॉल्ट हम यूरिन में नहीं भेजना चाहते, तो सॉल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इवन पोटेशियम, कैल्शियम है ना, HCO3-, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा या ज्यादा हमने नहीं निकाली यूरिन में, सारी की सारी हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से वापस भेज देते हैं किसमें, ब्लड कैपिलरी में। इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब कोई मुझसे पूछेगा कि रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसा है, तो वही मैकेनिज्म है जो एब्जॉर्प्शन का था भाई, जिस तरीके से जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा था ना कि ब्लड में देख के, कि ब्लड में अगर ग्लूकोज जो है वो बहुत ही कम है तो ग्लूकोज ले जाओ, एक्टिव से भी हो रहा था, पैसिव से भी हो रहा था है ना, अमाइनो एसिड भी एक्टिव पैसिव से हो रहे थे, सोडियम वाटर का जो से ट्रांसपोर्ट हो रहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, वाटर ऑस्मोसिस से, सेम मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे एब्जॉर्प्शन अगर आपको याद है तो सेम पैटर्न में रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? और सारी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें। अच्छा जो चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं होती वो कौन सी हैं? जैसे एक हो गया क्रिएटिनिन, ठीक है ना, क्रिएटिनिन एक ऐसा केमिकल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट है, जो देखिए जो चीजें ब्लड में है ही नहीं, ठीक है ना, जो ब्लड से एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही आई है, ठीक है ना, वो सारी की सारी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी, ठीक है? अच्छा बाकी सब मोस्टली क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होती है। कब तक होती है? जब तक ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के कंसंट्रेशन के साथ आइसोटॉनिक ना हो जाए, मतलब कि आयन की अगर हम बात करें, सोडियम पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम पोटेशियम और वाटर का जो कंसंट्रेशन की बात करें, सॉल्यूट्स और वाटर कंसंट्रेशन की बात करें, तो वो पीसीटी के फिल्ट्रेट का और ब्लड का सेम रहता है, इसलिए हम उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, तो हम उसको यूरिन में वेस्ट नहीं करते, उसलिए हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जबरदस्ती, हालांकि ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी हम जबरदस्ती ग्लूकोज पीसीटी से निकाल के फेंक देते हैं कहाँ पे, ब्लड में। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो फिर ग्लूकोज एक लिमिट तक ही रीअब्सॉर्ब होगा, और फिर अगर फिर भी बच गया तो फिर वो यूरिन में पास आउट होगा, जैसा कि डायबिटीज मेलाइटस में होता है, कि यूरिन जो है वो रीनल थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड वो है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे रीनल थ्रेशोल्ड फॉर लेट्स से रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज की वैल्यू है 180, मतलब 180 जब तक यूनिट जो है ग्लूकोज जब तक ब्लड में होगा तब तक तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 180 से ज्यादा हुआ, 182 हुआ, 183 हुआ, तो फिर वो ब्लड में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, फिर वो जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा है वो 3 यूनिट यूरिन में पास होंगी। तो डायबिटीज मेलिटस में ये होता है कि ग्लूकोज का लेवल कंसेंट्रेशन ब्लड में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रीनल थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर जाता है, फिल्ट्रेशन करने के बावजूद भी, मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन करने के बावजूद भी
वो कुछ ग्लूकोज फिल्ट्रेट में रह जाता है जो यूरिन में ऑब्जर्व किया जाता है और जो जिससे हम पता लगाते हैं कि पर्सन को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि हमें अमीनो एसिड और ग्लूकोज फ्रक्टोज न्यूट्रिएंट्स ये सब जबरदस्ती भेज देना है ब्लड में, ठीक है। पहले तो शुरू में भेजना ही है, ठीक है। उसके बाद जब दो जगह कंसेंट्रेशन मैच कर गई ग्लूकोज की और अमीनो एसिड की, फिर जबरदस्ती भेजना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजना है, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट में सिर्फ हमारा क्या रहेगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और क्रिएटिनिन और ये सब। पानी और सॉल्ट ही एब्जॉर्ब होते हैं। जब नीचे जाता है तो पानी एब्जॉर्ब होता है, जब ऊपर आता है तो सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। सॉल्ट फॉलोज, पानी एंड सॉल्ट गोज हैंड इन हैंड। जितना पानी जाएगा सॉल्ट भी उतना जाएगा, क्योंकि हमें आइसोटॉनिक बनाना सॉल्यूशन। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल नहीं है, डिसेंडिंग लिम्ब, तो सिर्फ पानी रीअब्जॉर्ब होता है। और जब ऊपर जाते हैं तो उतना ही फिर सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है ऊपर जाते हुए, ठीक है। और क्योंकि ऊपर से नीचे आते आप क्या देख रहे हो कि खूब सारा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो मतलब ऊपर जो है पानी ज्यादा है और नीचे पानी क्या है, कम है। तो ऊपर H2O ज्यादा है और नीचे H2O क्या है, कम है। और नीचे से ऊपर सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो नीचे सॉल्ट ज्यादा है, नीचे सॉल्ट ज्यादा है और ऊपर सॉल्ट थोड़ा क्या है, कम है। तो अब अगर मैं इसको बाइफर्केट कर दूं पूरे हिस्से को, तो आप देख सकते हो साफ साफ कि ऊपर नमक कम पानी ज्यादा, डाइल्यूट कंडीशन, नीचे नमक ज्यादा पानी कम, कंसंट्रेटेड कंडीशन। मतलब ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, आसपास का जो फ्लूइड रहेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हो आप, जो लूपा फैलने के आसपास रहेगा, ऊपर की तरफ वो लो इन कंसंट्रेशन रहेगा और नीचे की तरफ वो हाइपर ऑस्मोलर रहेगा। ऊपर की तरफ हाइपो ऑस्मोलर और नीचे की तरफ हाइपर ऑस्मोलर, और जिसकी वजह ये लूपा फैलने का इस तरीके की चीज है कि नीचे जाते हुए पानी रीअब्जॉर्ब होना है, ऊपर आते हुए सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होना है। इस वजह से ये जो ग्रेडियंट है ये बन जाता है। और अगर आपको वैल्यूज में बताऊं तो ऑलमोस्ट कंसेंट्रेशन की बात करूं तो 300 यूनिट्स ऑस्मोलैरिटी होती है ऊपर की तरफ, जो 400 600 करते करते नीचे की तरफ आते आते तक 1200 तक पहुंच जाती है। तो नीचे 1200 तक की ऑस्मोलैरिटी है और ऊपर 300 तक की ऑस्मोलैरिटी। ये बात कर रहा हूं मैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, जो आसपास फ्लूइड रहेगा ना भाई, सेल्स के बाहर फ्लूइड रहता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो, उसकी ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक ग्रेडियंट बना हुआ है 300 से 1200 का, जो आप यहाँ भी देख सकते हो इस वाले डायग्राम में, अगले वाले डायग्राम के अंदर, कि ये ग्रेडियंट बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड 300, 400, 600, 900, 1200, मतलब कि कंसंट्रेशन जो है, ऑस्मोलैरिटी जो है वो नीचे जाते हुए काफी ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ रही है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, ठीक है। जिसकी वजह डिसेंडिंग में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है और असेंडिंग में सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन है। तो अल्टीमेटली चीजें पास होंगी, फिर अल्टीमेटली चीजें कहाँ पहुंचेंगी, डीसीटी में पहुंचेंगी। अब डीसीटी में ना, डीसीटी इज डिसाइसिव, डीसीटी फैसला करेगा कि बॉडी में किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। अब डीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन सिर्फ उन्हीं चीजों का होगा जो चीजें आपको ज्यादा चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर वॉइस आ रही है। सर आप लेफ्ट हो गए मेरे ख्याल से, इसमें आप हो ही नहीं सर। सर
हाँ मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो हेलो सर, लास्ट वाला डिसाइड करेगा क्या रहेगा बॉडी में वो। सर, डीसीटी बता रहे थे आप लास्ट में। हाँ लास्ट लास्ट क्या सुनना है? हाँ हाँ ठीक है। सर स्क्रीन तो मैं प्रेजेंट बात ऑन कर रहा नहीं था है। डीसीटी की। तो डीसीटी जो है वो डिसाइसिव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहां पर क्या होता है, एक मिनट, आप यस स्क्रीन नजर आ रही है? सर। हाँ तो मैं कह रहा था जो डीसीटी है वो डिसाइसिव होता है, ठीक है ना। अब मान लो कि तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, तो यूरिन में कैल्शियम भेजना तो और बेवकूफी है। तो फिर बॉडी को ऑब्जर्व करेगी कि बॉडी में ना कैल्शियम की कमी है, तो फिर बॉडी में से एक हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द प्रोथोरासिक, सॉरी फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। फिर ये पैराथॉर्मोन आके डीसीटी पे काम करेगा और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा। मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथॉर्मोन कैल्शियम काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, डीसीटी में। अच्छा फिर मान लो कि सोडियम की कमी है, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा सोडियम की कमी है तो फिर हम सोडियम को भी काफी ज्यादा रीअब्जॉर्ब कराएंगे डीसीटी से। अब सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टिरॉन, और एल्डोस्टिरॉन जो हार्मोन है, ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, उसके दो फंक्शन होते हैं, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराना और पोटेशियम को सेक्रेट कराना। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम सेक्रेट होगा, मतलब सोडियम जाएगा ब्लड में और पोटेशियम जाएगा ब्लड से इनटू द दिस क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट इनटू द डीसीटी, ठीक है। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का सेक्रिएशन, और सोडियम रीअब्जॉर्ब होने से वाटर भी फॉलो करता है, तो पानी भी रीअब्जॉर्ब होगा साथ में, तो फिर एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होगा। अच्छा अगर पानी की बहुत ज्यादा हमें कमी है, पानी बहुत ज्यादा कम है बॉडी में, है ना, तो फिर पानी बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो आता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फाइनली होता है, लेकिन बनता है हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस में बनता है फ्रॉम द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके के सर्कुलेशन से रिलीज होता है। तो वो एडीएच अल्टीमेटली रीअब्जॉर्ब कराएगा वाटर को। तो आप देख सकते हो कि कैल्शियम, सोडियम, वाटर, ये सभी रीअब्जॉर्ब होंगे, लेकिन डिपेंडिंग कि बॉडी में कितनी जरूरत है उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी फिर अल्टीमेटली अल्टीमेटली आइसोटॉनिक बनाया जाएगा फिल्ट्रेट को, किसके साथ, ब्लड के साथ। और फाइनली जो बचा बची कुछ चीजें हैं वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। और फाइनली अब जब ये चीजें नीचे मूव कर गई हैं, तो इसको अब आप बोलोगे द अल्टीमेट फिल्ट्रेट। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमने नेफ्रॉन के अंदर चीजों, पहले पहले तो ब्लड से चीजों को ले लेना है, फिर ब्लड में जो चाहिए वो हमने वापस दे देना है, ठीक है ना, पानी भी दे देना है, सॉल्ट भी दे देना है, सब कुछ दे देना है। और फिर पूरे नेफ्रॉन में हमने देते रहना है, थोड़ा 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 पानी दे दे, थोड़ा सॉल्ट दे दे, हर चीज देते रहना है। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हमने, जो हमें जरूरत की नहीं है, वो हमने नेफ्रॉन में डालते रहना है। तो जो नेफ्रॉन में डालना है उसको सेक्रेशन बोलते हैं, जो नेफ्रॉन से ब्लड में जाना है उसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो पूरे नेफ्रॉन में ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, पूरे नेफ्रॉन में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर फाइनली डिसाइड करके कि अब आखिरी डीसीटी में पहुंच गए हैं, अब क्या करना है, अब जो जो चाहिए फिर फाइनली खत्म करके अल्टीमेटली जो फालतू चीजें बची, एक्स्ट्रा में बचा, वो फाइनली फिर हमने अल्टीमेटली नेफ्रॉन से बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये चल रहा है ब्लड के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर, क्लियर पॉइंट। तो तीन मेजर मैकेनिज्म है, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। अच्छा सेक्रीशन हमेशा जो भी होगा ना, सेक्रीशन, ठीक है, जैसे ड्रग्स व्रग्स का सेक्रीशन है, ठीक है, ये सब जबरदस्ती फेंका जाता है, मतलब मोस्टली सेक्रीशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है।
ठीक है ना, क्योंकि हम फोर्स लगा के जबरदस्ती फेंकते हैं यूरिन के अंदर, आ रही बात समझ। हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ ड्रग मटेरियल है, ये मटेरियल है तो ड्रग थोड़ा रख लो ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड का नॉर्मल पार्ट नहीं है ना वो, तो उसको हमने जबरदस्ती फेंक रहे थे। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, आपने कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल आपके ब्लड में घूम रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमने उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रखनी है, कि ब्लड और यूरिन की आइसोटोनिक रखनी है, नहीं, उसको हमने जबरदस्ती फोर्स लगा के, कुछ मर्जी लगा के बाहर फेंकना है यूरिन के अंदर, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। तो मोस्टली जो सेक्रीशन होता है वो एक्टिव एक्टिवली होता है, ठीक है, और रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन। तो वही है अगेन, आप क्या खा रहे हो, आपके ब्लड में क्या जा रहा है, उसी हिसाब से आपका यूरिन बनेगा फाइनली, क्लियर पॉइंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूरिन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ओनली, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। एक बार एनसीईआरटी का ऐसे एक डायग्राम है, उसे देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे एक छोटा सा मुझे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक मैकेनिज्म बताना है, द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है ना, पहले तो एम समझो, काउंटर करंट मैकेनिज्म का एम है पानी की कंसेंट्रेशन को कम से कम रखना यूरिन के अंदर, और ब्लड में पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कराना, मतलब कि कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाना, ये फंक्शन है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। अब काउंटर करंट के बोल रहे हैं, यहाँ पे करंट का मतलब फ्लो है ना, जैसे एक्स करंट इन करंट होता है ना, वैसे फ्लो से मतलब है, अब फ्लो लूप ऑफ हेनले के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, एक रहता है नीचे डायरेक्शन में, एक रहता है ऊपर डायरेक्शन में, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब काउंटर फ्लो है, इसलिए नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब लूप ऑफ हेनले के पास एक ट्यूब रहती है, आपको पता है ब्लड कैपिलरी की, जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। अब वासा रेक्टा में भी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, ब्लड ऐसे नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर लिम्ब्स की बात करें तो जो असेंडिंग लिम्ब है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो कंसाइड कर रहा है डिसेंडिंग लिम्ब के ऑफ द वासा रेक्टा के, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो कंसाइड कर रहा है विद असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के। तो दोनों लिम्ब आपस में अपोजिट वाले कंसाइड करते, तो अगेन ये भी काउंटर फ्लो हो जाता है, तो उसको हम इस वजह से भी काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस अपोजिट डायरेक्शन फ्लो की वजह से मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, कि ऊपर कंसेंट्रेशन रहती है कम और नीचे कंसेंट्रेशन रहती है ज्यादा, और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो चारों तरफ एक जैसा रहेगा, मतलब जो कंसेंट्रेशन लूप ऑफ हेनले के पास बनी है, कलेक्टिंग डक्ट के पास भी वही कंसेंट्रेशन बनेगी। अब उससे क्या होगा कि जब जो ब्लड है, जो फिल्ट्रेट है, वो जब कलेक्टिंग डक्ट से पास करता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड कंसेंट्रेशन वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। अब मान लो ऊपर जो कंसेंट्रेशन है 300 है, तो थोड़ा पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर 400 है, फिर थोड़ा और पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर थोड़ा और है तो और पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, तो फिर थोड़ा और है तो और पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, मतलब जैसे जैसे तो नीचे जा रहा है ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, और फाइनली जो पानी बाहर निकलेगा, जो फिल्टर बाहर निकलेगा, उसमें वाटर कम होगा और सॉल्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, से यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों हो पाया, क्योंकि ग्रेडियंट बन पाया। ये ग्रेडियंट क्यों बना, क्योंकि फ्लो कैसा था, काउंटर फ्लो था। अगर ये फ्लो काउंटर फ्लो की जगह कॉन्करेंट फ्लो होता, सेम डायरेक्शन में होता, तो फिर क्या होता, नीचे की कंसंट्रेशन भी 300 होती और ऊपर की कंसंट्रेशन भी क्या होती, 300। तो फिर फाइनली जब फिल्ट्रेट पास करता तो 300 के हिसाब से पानी फिल्टर हो जाता, फिर बाहर 300 अंदर 300 बराबर हो जाता, फिर इस मूवमेंट के बाद पूरे कलेक्टिंग डक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होता वाटर का, और ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होता है यूरिन में, जिसको हम डाइल्यूट यूरिन बोलते हैं, जो तब होता है जब हम बहुत सारा पानी पी रहे होते हैं, ठीक है ना, तब डाइल्यूट यूरिन पास होता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तब तब मोस्टली क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से पानी जो है वो क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या जब पानी हम ज्यादा पीते हैं तो क्या ये लूप ऑफ हेनले उल्टा हो जाता है या घूम जाता है या क्या ऐसा हो जाता है कि ये नहीं होता,
तो मैं बताता हूँ, तब भी ये ग्रेडिएंट बनता है, तब भी कंसंट्रेशन 300 to 1200 ही होती है, मतलब कि कंडीशन यही रहेगी हमेशा, ऊपर 300 नीचे 1200 रहेगा हमेशा ऐसा ही। लेकिन पानी के पास होने के लिए एक और चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरेंस, और वो एक्वापोरेंस तभी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है जब हमें पानी ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कराना होता है। जब पानी रीअब्जॉर्ब नहीं कराना, हमने खूब सारा पानी पिया हुआ है, तब ये एक्वापोरेंस इनएक्टिवेट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जो यूरिन जो फिल्टरेट पास होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट? तो खैर, और ये जो एक्वापोरेंस है ये लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए हम उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि डायूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन पास करना, तो वो डाइल्यूट यूरिन को पास करने से प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि खूब सारा पानी लॉस करने के बजाय वो कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहा है, जैसे पानी को क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो काउंटर करने का कुछ मुश्किल नहीं है, बस लुपाफिल्ले का अपोजिट फ्लो है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक ग्रेडियंट बन रहा है 300 to 1200, और उस ग्रेडियंट को इस्तेमाल कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कराने के लिए। यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। तो सारा तामझाम किसके हाथ में, लूपर फैनले में। और याद रखना, जितना लंबा लूपर फैनले होगा उतना ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा। क्यों? जितना लूपर फैनले लंबा होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, 300 से 1200 की जगह 1400, 1600, 1800, 2000 ये कंसंट्रेशन बनेगी, और जितनी कंसंट्रेशन नीचे सॉल्ट की ज्यादा होती जाएगी उतना पानी ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा अल्टीमेटली जाते हुए। तो इसे जितना लंबा लूप ऑफ फैले उतना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसलिए जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो गर्म वाली कंडीशन में रहते हैं, जिनको पानी कंजर्व करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, उनके जो लूप ऑफ फैले होते हैं वो नॉर्मल एनिमल से क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उनमें जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है? लंबे लूप ऑफ फैले क्या होते हैं, वाले नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें वासर एक्टा भी क्या रोल प्ले करती है, वासर एक्टा में भी काउंटर फ्लो है, जिसकी वजह से जहां पे वो ज्यादा सॉल्ट उठाती है वहीं पे ज्यादा सॉल्ट ट्रांसफर भी कर देती है, मतलब ग्रेडियंट को बिगाड़ती नहीं है, ग्रेडियंट को मेंटेन रखती है। तो आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस याद रखना कि वासर एक्टा मेंटेन्स द ग्रेडियंट, लूपर फेनले फॉर्म्स द ग्रेडियंट, एंड कलेक्टिंग डक्ट यूजेस द ग्रेडियंट टू कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट। ये कॉन्सेप्ट है अबाउट द क्या कहते हैं, अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे, हम कुछ डिसऑर्डर डिस्कस करूंगा आपके साथ। किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा था तब से नहीं है। अब आ रही है, बोलो। अच्छा, ओके। तो अब मुझे आपके साथ एक एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा है, वो सुनने में सुन लोगे समझ जाओगे। तो एक सिंपल सा है, कंट्रोल ऑफ या रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ रास मैकेनिज्म, RAAS, रास। अब रास मैकेनिज्म क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन या एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टिरॉन सिस्टम। अब क्या होता है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कभी कभार क्या होता है कि आपका GFR कम हो जाता है, ठीक है ना? GFR कम हो गया मतलब फिल्ट्रेशन कम हो गया,
मतलब उतना फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में वोमेंस कैप्सूल में नहीं आ रहा जितना नॉर्मली आना चाहिए, मतलब कि 125 ml पर मिनट की जगह मान लो 105 हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया, 25 या 30 यूनिट गिर गया, तो हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। अब इसको सेंस करता है एक स्पेशल अपैरेटस नोन एज जेजी अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजी अपैरेटस, जो कि आपका आपके ये एफरेंट या इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों में से कोई एक और साथ में बोमेंस कैप्सूल सॉरी साथ में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो रीजन है उसको मिला के बन जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम बता के थोड़ा बता देता हूँ। ओके तो मैं कुछ एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ कि लेट्स से ये एक मिनट लेट्स से ये नेफ्रॉन है ना और ये ग्लोमेरुलस आ रहा है। मैं एक मिनट दोबारा बताता हूँ, नेफ्रॉन दोबारा बना रहा हूँ। अगर हम एग्जैक्टली नेफ्रॉन को देखें ना तो एग्जैक्टली नेफ्रॉन कुछ ऐसा होता है, ऐसा है ना। ओके और ये आपकी ब्लड कैपिलरी हो गई है ना। तो मोस्टली क्या है कि मान लो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन जहां पे आपका आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वर्टिब्यूल मिल रहा है, यहां पे एक स्पेशल अपैरेटस बनता है थोड़ा एफरेंट आर्ट्रियोल आ गया और साथ में आपका डीसीटी भी आ गया, ठीक है ना। तो ये डीसीटी के सेल्स और ये एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स ये मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर जेजी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जेजीए, ठीक है ना। तो ये जो जेजीए है, ठीक है ना, इसमें मेनली डीसीटी वाला पार्ट कि जब फिल्ट्रेट कम होगा तो डीसीटी को पता चलेगा कि पानी जो है प्लाज्मा जो कम आया है ना, उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी कम हो रही है। तो फिर वो इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सिंपल सा है, तो आपके डीसीटी के अंदर जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, सॉरी डीसीटी के पास सेल्स होते हैं मैकुलर डेंसा नाम के, तो डीसीटी के जो मैकुलर डेंसा के सेल्स हैं उनको पता चला कि हाँ भाई फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो डीसीटी के मैकुलर डेंसा के सेल्स इंफॉर्मेशन देंगे ब्लड कैपिलरी के यानी एफरेंट आर्टरियोल के जेजी सेल्स को, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, मैकुलर डेंसा और जेजी सेल्स को मिलाते हम जेजी अपैरेटस बोल देते हैं, ठीक है। सब काम अपैरेटस में चल रहा है। तो मैक्लोडेंसा ने इन्फॉर्मेशन दी जेजी सेल्स को और जेजी सेल्स ने अल्टीमेटली रिलीज कर देते हैं एक हार्मोन या आप एंजाइम बोल सकते हैं, RENIN रेनिन एक एंजाइम टाइप का रिलीज कर दिया जेजी सेल्स ने। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा, कि जैसे ही GFR गिरेगा, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा, वैसे ही रिलीज हो जाना है एक रेनिन फ्रॉम द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस या आप सिंपली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोल सकते हो। अब ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एक आप कह सकते हैं अगेन एक एंजाइम या हार्मोन है जो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर में, क्योंकि लिवर ही सब कुछ बनाता है। एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड के अंदर रहता है क्योंकि लिवर ने बनाया, ब्लड में सर्कुलेट कर रखा है, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में, जो आगे कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट यह है कि रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर दिया अल्टीमेटली इनटू एंजियोटेंसिन 2 में, मतलब कि एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन। अब नाम से समझ लो, एंजियो मतलब ब्लड, टेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्टिंग है। ये क्या करेगा, ये इफरेंट आर्ट्रियोल को थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब इफरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि आने वाला ब्लड ज्यादा है, जाने वाला कम है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल जो जाने वाला आर्ट्रियोल है वो और सिकुड़ गया, जब वो और सिकुड़ गया तो आएंगे और लोग और जाएंगे और कम, तो डेंसिटी जो ब्लड की है वो ग्लोमेरुलस में और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर का जो प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से फिल्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। क्लियर पॉइंट।
तो जो GFR है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। तो एंजियोटेंसिन का ये काम है नंबर वन। दूसरा, एंजियोटेंसिन का क्या काम है, ये अल्टीमेटली एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उसको भी स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टिरॉन, मतलब एल्डोस्टिरॉन को भी रिलीज कराता है। और एल्डोस्टिरॉन मैंने बताया क्या करता है, DCT से या कलेक्टिंग डक्ट से, या आप कह सकते हो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल जिसमें DCT और कलेक्टिंग डक्ट दोनों आएंगे, वहां से सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कराएगा। जितना सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होगा उतना पानी रीअब्सॉर्ब होगा, जितना पानी रीअब्सॉर्ब होगा ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा मतलब नॉर्मल में आ जाएगा। मतलब दो तरीके से एंजियोटेंसिन काम करता है, एक खुद इफरेंट आर्टरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के GFR बढ़ाता है, दूसरा ब्लड में पानी का वॉल्यूम बढ़ा के बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बढ़ा के, सॉल्ट एब्जॉर्ब करा के पानी को रिएब्जॉर्ब कराता है, इससे पानी का वॉल्यूम बढ़ा के ब्लड में प्रेशर को बढ़ाता है जिससे GFR बढ़ जाता है। तो मतलब GFR बढ़ाने के लिए सिस्टम है, तभी इसका नाम क्या हो गया, रास, रेनिन ने काम किया, रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन भी काम कर रहा है और साथ में कौन स्टिमुलेट हो रहा है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन भी काम कर रहा है, तो एज अ सिस्टम वर्क कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कोई पूछे आपसे तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो रास है इसका काम GFR बढ़ाना है। क्लियर है पॉइंट, जब भी GFR कम होगा ये उसको बढ़ा देगा, मतलब GFR को नॉर्मल रखना है। ठीक है, अब एक और हार्मोन है जो GFR बढ़ाता है जिसका काम है ANF, आर्टेरिया सर आपकी वॉइस नाइट्रोयूरेटिक ब्रेक हो रही है। फैक्टर। लास्ट क्या समझ में आया, लास्ट क्या समझ में आया, रात समझ में आ गया, सबको आवाज ब्रेक हो रही है। नो सर, सर आपकी वॉइस, आमिर सर, हाँ जी बेटा, हाँ सर चले गए क्या? अभी सर रिज्वाइन करेंगे, आ गए सर। ओके सर, सबको आवाज ब्रेक हो रही है। सब भी ब्रेक हो रही है आपके, हाँ अभी भी ब्रेक हो रही है? सर अभी भी आ रही है ब्रेक हो। कोई नहीं, वेट फॉर 2 मिनट्स। अब क्लियर आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, अब अच्छा, क्लियर है। हाँ जी हाँ सर, तो अभी आपने जो बोला वो क्लियर था। मैं ये कह रहा हूं कि रास समझ में आ गया। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ बोलो शशांक। सर आप वो लास्ट पॉइंट बता रहे थे। हाँ पहले तो जो अभी अभी तक रास में बताया लास्ट तक, ठीक है ना, वो समझ में आ गया। अभी ANF नहीं बताया, ANF छोड़ के बाकी समझ में आ गया। Am I audible to everybody? हाँ जी सर, मुझे तो आपकी वॉइस आ रही है सर, क्लियर है। अच्छा,
ये बाकियों को आ रही है जो रिस्पांस देंगे तो आगे बात करेंगे ना हम। हाँ सर, ये सर मैं कुछ बोल रहा था, वो पता नहीं अपने आप ही कॉल कट गया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमको रास जो है यहाँ तक क्लियर, जहाँ तक मैंने बताया। हाँ सर, आप वो लास्ट वाला पॉइंट बता रहे थे, एक बार वो बता देंगे, वहीं पे आवाज ब्रेक हुई थी, एंडोस्क्रीन वाला जो बता रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कुछ नहीं है रास में, एल्डोस्टेरोन जब आ गया तो सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कराएगा, सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कराएगा तो पानी भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड में पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी वापस बढ़ जाएगा, तो जो कम हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्योंकि रेनिन भी काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन भी काम कर रहा है, एल्डोस्टेरोन भी काम कर रहा है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, अब एक और है, आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर, ANF, आर्टेरिया ATRI, आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक, NATRI URETIC यूरेटिक फैक्टर। अभी जो आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर है जिसे हम ANF बोलते हैं, ये हार्ट की मसल से रिलीज होता है, एट्रियम से, हार्ट के एट्रियम से रिलीज होता है, और इसका काम भी GFR बढ़ाना है। तो आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर भी GFR बढ़ाता है। अब जब आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर अगर GFR बढ़ाएगा तो फिर क्या रास को GFR बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? बताओ, अगर आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर GFR बढ़ा देगा तो क्या रास को GFR बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, रास को काम करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी सर। एक बात बताओ कि मान लो तुम्हें घर में पेंट करना है, ठीक है, और तुमने दो कंपनी से बात की हुई है, एक कंपनी वाला आया पेंट करके चला गया, तो अब तुम्हें दूसरी कंपनी वाले की जरूरत है? नहीं नहीं, नहीं जरूरत, ठीक है ना। अब अगले साल फिर जरूरत पड़ी, फिर दोनों में से कोई एक कंपनी वाला है उसने कर दिया, मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक काम करेगा तो फिर दूसरा काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आर्टेरिया नैटरी यूरेटिक फैक्टर है, क्योंकि वो भी GFR बढ़ा रहा है, तो जब वो काम करता है तो फिर वो रास इनिबिट हो जाता है, और जब रास काम करता है तो ANF वाला इनिबिट हो जाता है, जिसमें ANF ज्यादा डोमिनेंट है, तो हम बोलते हैं कि ANF इनिबिट्स रास, ठीक है ना। तो ANF जो है उसका काम भी GFR बढ़ाना है, तो वो रास को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, इसके अलावा और कैसे कैसे हम सर बढ़ा सकते हैं? एक चीज पूछनी है। हाँ सर, जैसे बुक में एक लाइन लिखी थी कि ANF जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म जो होता है उस पे चेक रखता है, वो किस तरीके से है? चेक रखने का मतलब यही हुआ ना कि उसको एक्सेसिवली मतलब कि भाई वही काम कर रहा हूँ, चेक करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इनिबिट करना, ठीक है ना, उसको हाइपर एक्टिवेट नहीं होने देता, ठीक है, एक तरीके से उसे इनिबिट करता है। ओके सर, है ना। खैर, तो ये ANF की बात हो गई और ये बात हो गई इसकी। अब बाकी मैं आपको एक दो हिंट में दो दो चीजें और बता रहा हूँ, ये माइंड में रखिएगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि कि एक्सक्रीशन सिर्फ इनका नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट का नहीं होता। अगर हम सिंपली एक तरीके से स्वेट रिलीज कर रहे हैं तो वो भी एक्सक्रीशन, उसमें वाटर है, सॉल्ट्स हैं, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, बहुत सारी चीजें हैं स्वेट में, ठीक है ना। स्वेट ही नहीं, हमारी स्किन से सीबम ऑयल, उसमें ऑयल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी है, तो वो भी रिलीज हो रहा है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सक्रीशन है। इवन जो हम इजेस्टेड मटेरियल रिलीज कर रहे हैं, जो फीकल मैटर रिलीज कर रहे हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट तो है ही उसमें, साथ ही साथ लिवर से जो बाइल पिगमेंट्स आ रही हैं, कुछ विटामिंस आ रहे हैं, है ना, कुछ कोलेस्ट्रॉल आ रहा है,
वो सब चीजें भी एड ऑन होके बाइल बाइल जूस की फॉर्म में फिकल मैटर का पार्ट बन रहे, तो वो लिवर का एक्सक्रीशन है एक तरीके से, ठीक है ना। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, तो वो भी आपका क्या है, एक्सक्रीशन है। तो आपका लंग्स, लिवर, किडनी, स्किन, ये सब भी एक्सक्रीशन में क्या करेंगे, काम करेंगे। किडनी तो खैर कर ही रही है, तो लिवर, लंग्स और स्किन भी एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब वैल्यूज बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, ठीक है, कि करीब करीब लेट्स से जो क्या कहते हैं इसको 200 ml, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है, करीब करीब पर मिनट, ठीक है, और 400 ml ऑलमोस्ट जो वाटर है, ठीक है ना, एक बार वैल्यू चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या दी है, वो बदल जाती है, पर पहले 80 था, फिर पर डे था, फिर 200 ml पर मिनट कर दिया, ठीक है ना, तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, कि क्या वैल्यूज है रिमूवल ऑफ वाटर की और रिमूवल ऑफ क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और 20 से 25 ग्राम जो है वो यूरिया है पर डे जो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है बॉडी से, तो वो वैल्यूज देख लेना। लेकिन याद रखना कि स्किन का ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और लंग्स, लिवर, ये भी एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, काम करते हैं। और बाकी एक बार डिसऑर्डर पढ़ लेना कि उसमें सिंपल ही है, एक तो किडनी स्टोन है कि भाई यूरेट क्रिस्टल्स बन गए, है ना, यूरेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और वो डिपॉजिट हो जाएंगे माइनर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स में, या किडनी में, या यूरेटर में, या ब्लैडर में, ठीक है ना। वो और डायबिटीज मेलिटस, ये तो पता ही आपको, है ना, कि वो भी एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, जिसको हम ग्लाइकोसो यूरिया बोलते हैं। फिर इसके अलावा ठीक है ना, रीनल फेलियर मतलब कि जब GFR बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो उसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं। खैर डिसऑर्डर्स एक बार अगली क्लास में एक बार वापस थोड़ा थोड़ा कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे मसल्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आपकी अगली क्लास भी होगी, है ना, तो कोई डाउट तो पूछ लो सर।